कुछ लोग ये पूछते हैं कि रुद्राक्ष मुझे सूट नहीं करे, मेरे माफिक नहीं है, तो रुद्राक्ष का मैं क्या करूं। मैं हूं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइट लोटस स्पिरिचुअल के संस्थापक, बैंगलोर इंडिया से। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। जब आप ये कहते हैं कि रुद्राक्ष मुझे सूट नहीं कर रहा, आपका कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है आपका? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जिस मकसद से मैंने ये रुद्राक्ष पहना हुआ था वो मकसद पूरा हुआ दिखाई नहीं पड़ता है? एक व्यक्ति थे जो कि एक 5 सितारा होटल में काम करते थे, मैनेजर थे। मेरे पास आए, कहे कि मेरे चारों तरफ बहुत सारे स्टाफ हैं, लड़कियां हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, लेकिन मेरी तरफ कोई देखती ही नहीं है, कोई आकर्षित नहीं होती है। मैं कोशिश करता हूं लेकिन कहीं दोस्ती भी नहीं हो पाती है। क्या आपको लगता है कि 7 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष मैं यदि पहनूं या कॉम्बिनेशन पहनूं तो मुझे फ़ायदा होगा? मैं कहा कि हाँ, 7 मुखी रुद्राक्ष आपका फिजिकल बॉडी में काम करता है, 13 मुखी रुद्राक्ष आपका और एक बॉडी में काम करता है, तो ये आकर्षण पैदा करता है, मदद कर सकता है आपको। अगले दिन सुबह उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि सर, कल शाम को रुद्राक्ष पहना था लेकिन रात को मैं जब गया जॉब में तो कोई भी लड़की मेरी तरफ नहीं देख रही थी, आकर्षित नहीं हो रही थी मेरी तरफ। यदि अब ये सोचते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद में, जैसे उन्होंने कहा कि कोई लड़की आकर्षित नहीं हुई, मतलब रुद्राक्ष शाम को पहने हैं और रात को ही इनको लगता था कि सभी लड़के इनके आसपास मंडराने लगे और उसे आकर्षित हो जाएं, इस प्रकार की भ्रांत धारणाएं और जो एक जैसे कोई मैजिक हो जाए, इस प्रकार उम्मीद लेके यदि रुद्राक्ष पहनते हैं तो रुद्राक्ष आपको सूट करने वाला नहीं है। यदि रुद्राक्ष को समझते हैं कि एक टूल है, एक आपके उपयोग की एक वस्तु है, रुद्राक्ष आप समझते हैं ऐसा, यदि समझते हैं कि क्योंकि आपने पैसा खर्च किया हुआ है तो ये आपका अधीन है, आपका नौकर बन चुका है रुद्राक्ष, आपको आपके लिए सेवा करेगा रुद्राक्ष, तो आपकी धारणा गलत है। रुद्राक्ष आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप सूटेबल नहीं रुद्राक्ष के लिए, आप योग्य नहीं रुद्राक्ष पहनने के लिए, क्योंकि इस प्रकार की भ्रांत धारणा, गलत धारणा आपके मन में बैठा हुआ है। सवाल शायद इसलिए पूछा जा रहा है कि अभी तक आपको अभिष्ट पूरा नहीं हो पा रहा है और जो मैजिक की उम्मीद कर रहे थे वो नहीं घट रहा है, आपको लगता है बेकार है, थका गया मैं तो, बेकार हो गया रुद्राक्ष, इसको मैं क्या करूं, पानी में बहा दूं, मिट्टी में दबा दूं, फेंक दूं, कुछ क्या क्या करूं, डर भी लगता है फेंकने में, पता नहीं शिव जी नाराज ना हो जाए मुझसे। यदि आप रुद्राक्ष पहनते हैं और ऑरा चक्र की बैलेंसिंग नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, एनर्जी को चार्ज नहीं करते रुद्राक्ष को साधना से, और उम्मीद करते हैं कि मैजिक हो जाए, अपने आप ऐसे काम करने लगे, तो मैं ये कहूंगा कि आप रुद्राक्ष पहनने के सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपकी अप्रोच ही गलत है, आपकी समझ ही गलत है, आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि यदि समझते हैं कि रुद्राक्ष आपके नौकर जैसे काम करेगा, कोई यूटिलिटी टूल है आपने खरीद लिया है, जैसे कोई ब्लूटूथ का कान में लगाने का है, कोई वॉच खरीद लिया है, नो, ऐसा काम नहीं करता रुद्राक्ष। सूटेबल हर एक के लिए रुद्राक्ष होता है, केवल पहनने की विधि गलत हो जाती है। रुद्राक्ष पहनने के तरीके भी गलत होंगे तो रुद्राक्ष काम नहीं करेंगे। जैसे आपने 6 मुखी रुद्राक्ष है, उसको बाएं हाथ में धारण कर लिया, काम नहीं करेगा। 7 मुखी है, 3 मुखी है और नंबर रुद्राक्ष जो होंगे उसको बाएं हाथ में पहनेंगे तो काम करेगा, उसको दाहिने में पहनेंगे तो काम नहीं करेगा। तो हाथों में पहनने वाले रुद्राक्ष यदि आप के बारे में बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आप सही ढंग से पहन रहे हैं इसको। मैं तो ये कहता हूं कि रुद्राक्ष जब पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, तो सतर्कता बरते हैं कि ऑड नंबर को यहां पहने, राइट हैंड में इवन नंबर को पहने, 2, 4, 6, 8, 10 आदि, इसमें 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि, इस प्रकार से पहने। छाती के ऊपर पहने बहुत सेफ होता है, न्यूट्रल चक्र यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, और चक्र बैलेंसिंग करें। ऐसा कोई रुद्राक्ष नहीं है जो आपको सूट नहीं करेगा, फिर रुद्राक्ष को सूट करता है। अगले वीडियो में कोई चर्चा करेंगे कोई और सवाल लेकर जो कि आपकी तरफ भेजा हुआ होगा। तब तक करिए आज्ञा दीजिए मुझे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।